नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं, कल गुर्जर आरक्षण पर कल लग सकती है मुहर। वसुंधरा कैबिनेट दे सकती है आरक्षण पर मंजूरी, जिससे 71,000 युवाओं को रोज़गार मिलेगा और जिन भर्तियों के रास्ते इसकी वजह से बंद थे वो भर्तियों के रास्ते भी, अगर आरक्षण को मंजूरी मिलती है तो उन भर्तियों के रास्ते भी कल खुल जाएंगे। और उम्मीद यही है दोस्तों, जो भी राजस्थान में लंबित भर्तियां हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और जो भी वैकेंसीज पेंडिंग हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको आगे आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट की सूचना हम इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो चलते हैं न्यूज़ पर। गुर्जर आरक्षण पर कल लग सकती है मुहर, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं जी। राजस्थान न्यूज़ ने ये ट्वीट किया है, आज ही की डेट है 11 दिसंबर 2017, और ये 6:15 बजे करीब ये ट्वीट किया था। और न्यूज़ में यही बताया है कि गुर्जर आरक्षण पर कल लग सकती है मुहर, वसुंधरा कैबिनेट दे सकती है आरक्षण पर मंजूरी। गुर्जरों को दिया जाएगा 1% आरक्षण, लाभ देने से खुलेगा भर्तियों का रास्ता, 71,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। और आप सभी विद्यार्थियों को पता है राजस्थान में जो कई भर्तियां हैं वो रिजर्वेशन के, जो एक रिजर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण इशू है जिसकी वजह से वो भर्तियां उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज का जो डिवाइडेशन है वो रिजर्वेशन के आधार पर ही होगा। तो ये मेन रीज़न है जिससे काफ़ी भर्तियाँ पेंडिंग हैं। और इसी के साथ जो आरपीएससी एलडीसी जो वैकेंसी है 2013 को वैकेंसी है, जिसमें एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर बड़ी खबर, जिसमें 9,128 पदों पर होगी भर्ती, सीएमओ से जल्द ही लगेगी फाइल पर मुहर, राठौड़ की मुस्तैदी से जल्द लगेगी मुहर। चंद दिन पहले ही राठौड़ ने भेजी थी फाइल, मंजूरी पर हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। और जो जो विद्यार्थी आरपीएससी एलडीसी में सिलेक्टेड हैं तो उनको जल्द से इस वैकेंसी में उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। और इन दो ही ये दो अपडेट आपको आप तक पहुंचाने थे, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ यही है जो राजस्थान में जो वैकेंसीज आरक्षण की वजह से पेंडिंग हैं उनके रास्ते जल्द से जल्द खुलेंगे, उम्मीद यही है। और आरपीएससी एलडीसी में जो ज्वाइनिंग है, जो विद्यार्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी। और उम्मीद करते हैं दोस्तों इसी तरह की अपडेट्स प्राप्त करते रहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से उसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।